रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ क्या बताऊँ देवर जी, सास मेरे को गाली नहीं दिया है, राते पियवा देलक हमको गाली हो तरकारी के बिना ना। अरे आज तो दोनों सहेली बहुत मस्त लग रहे हो, और होठ पर क्या लगाए हो तुम दोनों? अरे खून लगाए हैं, खून, अपने पति का खून लगाए हैं। ओह नो, खून लगाए हैं? खून कोई लगाता है होठ पे क्या? जब आप जानते हो कि हम दोनों होठ लाली लगाए हैं तो पूछने की क्या जरूरत है? ए बहन, ए बहन, आपको एक बात बताऊं? हाँ बहन, क्या हुआ बताओ। आपके देवर ना मुझे मारते हैं। क्या मारते हैं? अरे बहन आँख मारेला। ओह शिट, ओह शिट। एक दिन ना हो जाई। अरे बहन शादी हो जाए उनसे। भोजन लेके आओ रे पिलुआ के मम्मी। ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट। खाना लोगे? ये लो भोजन, ये लो भोजन, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। जाएगी, कोई जरूरत नहीं जाने की, घर में रह और जाके पढ़ाई कर। सब जा रहे हैं मिथिला हाट, मैं भी जाऊंगी। बेटी आज तुम्हें लड़का वाले देखने के लिए आ रहे हैं, जा फटाफट से तैयार हो जा, क्योंकि हमें ना अगले महीने ही तुम्हारे शादी करनी है। क्योंकि अगले महीने ना बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है, तो हमने पंडित जी से पूछे थे, बोले थे कि बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है और लगन भी बहुत तगड़ा है, तो तुम ना जाओ फटाफट से तैयार हो जाओ, लड़का वाले देखने आ रहे हैं। नहीं माँ, ये मुझे शादी वादी नहीं करनी है, लड़का वाले आ रहे हैं तो मना कर दो, और मैं नहीं जाने वाली हूँ बंठन कर इसके सामने में, क्योंकि मुझे ना अभी बहुत पढ़ाई करना है, आगे के जीवन बनाना है, मना कर दो उनको। क्यों नहीं तुमको शादी करना है? तुम्हारे बैच के जितना भी लड़की है सबकी शादी हो रही है, सबके पिता सबकी शादी कर रहे हैं, और तू क्यों नहीं करेगी? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ मम्मी, क्या सब कुएं में कूदेगी तो मैं भी कूदने के लिए जाऊंगी? वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी।